सभी लोगों का। मैं से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है सर? मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। हाँ क्लियर आ रही है सर, क्लियर है थैंक्स लॉट। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है दादा ना। जी? थैंक्स अ लॉट सभी लोगों का समय से जुड़ने के लिए। और सॉरी सर, मैं आज माफी चाहूंगा सर, मैं आपको टोक रहा हूँ सर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी वो है, अगर आपकी जी, परमिशन हो तो सर। हाँ, सर बिल्कुल बिल्कुल। सर वो सखी प्रोजेक्ट का किसी के बिहार में किसी एनजीओ को गलत वो सामान पहुंच गया है, शायद वो अगर मीटिंग में जुड़ रहे हो तो सर जरा उनसे कंफर्म कर लीजिए। उनका बार बार मैसेज आ रहा है कि उनके पास मटेरियल नहीं पहुंचा है सखी प्रोजेक्ट का सर। सर वो ओम निर्माण भारती वालों के पास है और मैंने उनको कई बार कहा भी है। ओम निर्माण भारती संस्थान, अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सर अभी हाँ वो जुड़े हुए हैं सर, प्लीज आप जरा उनसे कंफर्म कर लीजिए, उनका आज दो ओम बार कॉल आ निर्माण गया सर। भारती सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सभी साथियों से माफी चाहूंगा कि भाई देखो मेरे को मीटिंग को रोक के ये करना पड़ा सर। जी दादा, हेलो जी सर, वो नमस्कार। नमस्कार दादा, भेजा आपने वही मेरे को वो? जी जी सर, आज चला गया, हम उनसे बात भी हो गई है हमारी। अच्छा, वो स्लिप आपने मुझे व्हाट्सएप करवा दी दादा? व्हाट्सएप में सर वो मेल आया था, एक मेल में सब कुछ अटैच करके अभी भेज दे रहे मीटिंग के बाद। एक बार सर मुझे भी भिजवा दीजिएगा प्लीज, है ना? जी, आज उनसे बात भी हो गई है हमारी। वो डाक से बोले हैं कि कुरियर या डाक से स्लिप भेज देने के लिए, हाँ, वो एक बार सर वो संस्था स्लिप ना वाले मुझे आप व्हाट्सएप करवा देते। जी सर करवा। एक बार आप ठीक मुझे ठीक सर है, ठीक व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर प्लीज, है ना? ओके ओके, थैंक यू ओम निर्माण भारती जी, सॉरी फॉर जी डिस्टर्ब जी सर। ओके सर, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू सर। जी जी कंटिन्यू। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की अपनी वर्कशॉप में। और सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा दादा, आप समय से पहुंच गए थे, हाँ जी यस सर, समय से आपने पहुंच मुझे गया। इन्फॉर्म नहीं किया इसलिए मैंने कोई नहीं, पूछना पड़ा मुझे। मैंने जी, मैंने क्या भाई, अभी तो पहुंच। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी बहादुरगढ़ स्थित कार्यालय पर, और एक्टिव रूप से हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय ने हमारे संस्थान से सचिव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सचिव महोदय ने, और साथ ही हमारे एक दो पार्टिसिपेंट्स और भी थे जिनको आगामी कुछ जिम्मेवारियां दी जानी। याद रखिएगा, जिन लोगों के लिए आगामी जिम्मेवारियां तय की जा रही हैं उन सभी लोगों का वर्कशॉप में पहुंचना अनिवार्य है, चाहे वो ओम निर्माण भारती संस्थान हो बिहार के जिनको पदभार दिया जाना है, चाहे वो कृष्ण खरब जी हो जिनको हरियाणा का प्रभार दिया जाना है, या जो जो प्रभार हमने तय किए हैं जैसे गोविंद बिसेन जी हैं जिनको मध्य प्रदेश का प्रभार दिया जाना है। तो ऐसे जो भी साथी हैं जिनके लिए प्रभार निश्चित किए गए हैं, कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे अभी तक शायद जितने भी संस्थान, जितने भी हमारे साथी हैं जिनको प्रभार दिए जाने, जिनके रिक्वेस्ट हमारे पास लेटर्स आए हुए हैं, उनके अभी तक शायद मेरी नॉलेज में वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन नहीं आए हुए। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑलरेडी आपको बताया गया था कि आज लास्ट डेट है। एक संबंधित सूचना मैं आपको देना चाहूंगा, वर्कशॉप को लेकर जो तैयारियों का अंतिम दौर था वो आज संपन्न हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई यहाँ बहादुरगढ़ में, और अभी जस्ट ये मान के चलिए कि मैं सर अपने गंतव्य को गए, मैं सर को ड्रॉप करते हुए वापसी अभी पहुंचा ही हूँ, और आते ही सिर्फ वर्कशॉप की शुरुआत की है। और कुछ जरूरी कागजात थे वो लेकर आने थे मुझे, वो मैं लेकर आ चुका हूँ दादा। वो पैकेट्स आ चुके प्रिंट होकर जिसकी चलो बात हुई थी ना? आगे। हाँ जी अच्छा अच्छा ठीक ठीक जी वो ओके सर। पैकेट्स प्रिंट होकर आ गए, तो ऑब्वियसली मैंने सारी तैयारी कंप्लीट कर ली है। बाकी जो छोटे छोटे दिशा निर्देश थे वो उनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और आप लोगों को मैं सहर्ष रूप से बताना चाहूंगा सर, अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ नहीं नहीं सर, सर अनाउंसमेंट कर दीजिए, जो जो आज डिसीजन लिया सर वो सारे जी आप जी जी बता दीजिए। जी सभी को गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल तय कर दिया गया है। मैं एक बार अपनी बात यहाँ फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल तय कर दिया गया है। आपकी वर्कशॉप के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या विषय इन्वॉल्व किए गए हैं मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। फर्स्ट डे यानी कि 24 नवंबर को एनजीओ मैनेजमेंट के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा लगभग 30 मिनट्स का, कि एनजीओ मैनेजमेंट क्यों जरूरी और कैसे किया जाता है। सेकंड हमारा 30 मिनट्स रहेगा एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, कि
कि एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से हमें मेंटेन करनी है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि ये जो वर्कशॉप है ये अपने आप में पूर्णतः वर्कशॉप होगी, नए पुराने सभी एनजीओ के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने वहां पर कुछ समय निर्धारित किया है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन में सिग्नेचर वैलिडेशन, इसकी वैल्यू, और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को जब कहीं भेजते हैं तो आपको किस प्रकार से उसको सिग्नेचराइज करना होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स के प्लेटफॉर्म पे आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को कैसे यूज करते हैं और वो कैसे आपके एप्लीकेशन या किसी भी चीज को, आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को इफेक्टिव बनाते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही चर्चा रहेगी हमारे पहले विषय की, आप सभी को पता होगा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनसे तीन विषय पूछे जाते हैं, तीन पर्टिकुलर विषय पूछे जाते हैं कि आप किस विषय पर वहां चर्चा चाहते हैं। तो इस पहले सेशन में लंच टाइम से पहले वो पहला विषय लिया जाएगा जो सब में से हम कलेक्टिवली सेलेक्ट करेंगे। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने कहा है कि सर ग्रांट के बारे में जानकारी देनी है, तो वो जो ग्रांट अगर कई लोगों ने ऑप्ट किया होगा आपने उसमें अपने फॉर्म के अंदर, तो हम पहला विषय वहां से उठा लेंगे ग्रांट का, राइट। तो ग्रांट पे चर्चाएं हो जाएंगी। उसके बाद आपका लंच टाइम फिक्स किया गया है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का, सुबह नाश्ते के बाद शुरू होगा कार्यक्रम 9 बजे से, राइट। सुबह नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद 9 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपका पहला जो शेड्यूल है वो एनजीओ मैनेजमेंट पर रहेगा, 30 मिनट्स रहेगा आपका एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन पर। उसके बाद लगभग 30-45 मिनट्स रहेंगे आपके डिजिटल सिग्नेचर, इसकी वैलिडिटी और यूजेस पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लेंगे आपका टॉपिक 1, जो टॉपिक हमने आपसे आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान पूछा है, राइट। तो जो भी मेजर एंट्रीज होंगी उस मेजर एंट्रीज पर डिपेंड करेगा कि हम किस टॉपिक को जो है लेकर चल रहे हैं। सेकंड, लंच टाइम के बाद, यानी कि 1 से 2 का लंच रहेगा, लंच के बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम पब्लिक अप्रोच पर, यानी कि हम अपने कार्यों को लेकर पब्लिक डोनेशन के लिए पब्लिक अप्रोच कैसे कर सकते हैं, उसका लाइव डेमो, लाइव रिहर्सल्स, कुछ टिप्स आपको समझाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। यानी कि जिसे हम कहते हैं सोशल कैंपेनिंग, अपने काम की हम सोशल कैंपेनिंग कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर हमें पब्लिक से या डोनर से फेस टू फेस इंटरेक्शन करना हो, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, इस पर 45 मिनट का एक सेशन लिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड 45 मिनट्स का हम जो सेशन लेंगे वो लेंगे जनरल डोनेशन अपील पर, कि हम अपनी जनरल डोनेशन अपील कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम जनरल डोनेशन अपील्स को अपना और भी कारगर साबित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 45 मिनट्स रहेंगे आपकी व्हाट्सअप मार्केटिंग के लिए, व्हाट्सअप मार्केटिंग वहां पर लाइव सिखाई जाएगी आपको, और क्योंकि आपको पता है कि आजकल डिजिटल की दुनिया है, तो डिजिटल में हम जितना ट्रांसपेरेंट हो जाए, जितना हम ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाए उतना बेस्ट रहेगा। तो वहां पर एक क्लास दी जाएगी आपको व्हाट्सअप बिजनेस मार्केटिंग की, और एक साथ में आपको दी जाएगी फेसबुक मार्केटिंग की। यानी कि आपका जो डोनेशन मार्केटिंग का जो सेक्शन है उसको हम फर्स्ट डे में जो है कवर अप करके चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास समय बच जाता है तो हम आपके डे वन में ही जो आपका सेकंड टॉपिक है हम उसको इंक्लूड कर देंगे। ध्यान रखिएगा सेकंड टॉपिक को हम यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं आफ्टर लंच में। उसके बाद करते हैं हम रात का, हमारा रात के 8 बजे के आसपास डिनर रहेगा। डिनर के बाद हम सब लोग अपना अपना आराम करेंगे, जो हमारे हमारी व्यवस्थित जगह है सभी की, सभी को पता है इंडिविजुअल लोगों के लिए डॉर्मेटरी सिस्टम है, और इंडिविजुअल से जो लोग अलग हैं यानी कि जो कपल में आ रहे हैं या टीम के साथ आ रहे हैं उनके लिए सेपरेट रूम्स की व्यवस्थाएं अलग अलग की गई हैं। तो सब लोग अपने अपने जो है यथास्थान पर जो है अपना आराम करेंगे। उसके बाद हमारी अगली सुबह फिर से शुरू होगी योगा क्लासेस। देखिए योगा क्लासेस हमने एक विकल्प रखा है सभी के लिए, जो लोग इच्छुक होंगे वो योगा क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। 2 दिन लगातार हमारा योगा कैंप चलेगा, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock से, तो 6 to 7 o'clock जो भी हमारा समय रहेगा निर्धारित, तो हम योगा क्लासेस और जो जो हमारी कार्यक्रम की दिनचर्याएं होती हैं, जैसे कि जो है दीप प्रज्वलन हुआ या वंदना हुई, तो ये सब चीजें कॉमन रहेंगी, ये चीज मेरे ख्याल से डिस्कस करने वाली नहीं है, मैं सिर्फ टॉपिक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो सुबह चाय नाश्ते के बाद हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। टॉपिक जो हमारे रहेंगे सेकंड डे में वो रहेगा प्रपोजल राइटिंग थ्रू AI टूल्स, यानी कि कंप्लीट प्रपोजल राइटिंग को कैसे हम AI टूल से और भी बेहतरीन और भी इफेक्टिव बना सकते हैं विद इन सम मिनट्स। हम कुछ ही मिनट में अपना प्रपोजल रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स, यानी कि उसमें बहुत सारे टूल्स आपको बताए जाएंगे, किस किस टूल्स का क्या क्या वर्क रहता है आपके पर्टिकुलर प्रपोजल राइटिंग के लिए। तो इस पर हम लगभग 1.5 घंटे का समय देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो हम प्रपोजल राइटिंग आपको सिखाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम वो प्रपोजल लिखना आपको सिखाएं जो प्रपोजल आपका 35AC की एप्लीकेशन में काम आता है, यानी कि 100% ग्रांट एप्लीकेशन के लिए किस प्रकार से हम प्रपोजल लिखते हैं, वही प्रपोजल हमारा प्रपोजल राइटिंग वाले कॉलम से हम उसको लिंक कर रहे हैं।
यानी कि हम दोनों टॉपिक को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। हम एक तरीके से आपको प्रपोजल राइटिंग भी सिखाएंगे, इफेक्टिव और एडवांस प्रपोजल राइटिंग, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या FCRA जैसे डिपार्टमेंट्स में चलती हैं या 35AC जैसे डिपार्टमेंट में चलती हैं। और उसी माध्यम से आप ये भी सीख जाएंगे कि जब आपको अपना कोई 35AC एप्लीकेशन करना है, आपको 100% ग्रांट छूट के लिए अगर आपको अपनी एप्लीकेशन करनी है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं। उसमें एक प्रपोजल लगता है, आपको बताया गया था 35AC की जब इन्फॉर्मेशन दी गई थी आपको, हाउ वी कैन ऑफर 100% टैक्स रिबेट ऑन टू आवर डोनर्स, उस वीडियो में आपको बताया गया था कि आपको एक प्रपोजल देना होता है, वो प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, वो इसी में हमने उसको समावेशित कर दिया है, जो टीम से आज हमारी चर्चाएं हुई हैं। उसके बाद हम एक सेशन लेंगे इसमें फंड रेजिंग असेंशियल्स का, यानी कि फंड रेजिंग कितने प्रकार से हो सकती है और हम उसको कैसे फंड्स रेज कर सकते हैं। और एक सेशन रहेगा हाउ टू रेज फंड्स, क्या कौन कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसमें आप कैसे कैसे फंड रेजिंग करते हैं। और यहाँ पर आपका टॉपिक नंबर 3 को हमने इंक्लूड कर दिया, जो आपने हमें टॉपिक आपके रजिस्ट्रेशन में दिया था, उस टॉपिक में से एक टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे। यानी कि 3 टॉपिक हमने आपसे पूछे थे, उसमें मेजोरिटी के हिसाब से 3 टॉपिक उठा लिए जाएंगे और वो 3 टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर दिए जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बचा हमारे पास सेकंड डे का सेकंड सेशन, यानी कि आफ्टर लंच। अब इसके बाद हमारा लंच हो जाएगा, लंच के बाद जब हम आपसे मिलेंगे उस समय राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा तैयार किए गए प्लेटफॉर्म्स आपके साथ लॉन्च किए जाएंगे। आपको याद होगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर को हमने लॉन्च किया था वर्चुअली, लेकिन कुछ चीजें सोचते हुए आगामी दिन और उसके प्रभावों को सोचते हुए हमने उसको स्टॉप कर दिया था बीच में आपकी केसबुक सीरीज के दौरान ही। तो अब उस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की जाएगी सेम डे पर, वहां से आपके क्राउड फंडिंग कैंपेन स्टार्ट कर दिए जाएंगे, उसमें डोनेशन जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे वर्चुअल फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। इसके साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो हमारी एडिशनल वेबसाइट है, जिस पर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलने वाला है, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर मैं फीचर्स लिखना शुरू करूं तो शायद मुझे 4 दिन लगेंगे। तो वहां पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा उस वेबसाइट से, जिसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप लोगों को वही प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी साथी वहां मौजूद रहेंगे उनको ही लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वही साथी उन चीजों का उपयोग कर पाएंगे जो भी इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था एक्सप्लोर द नेशनल एनजीओ फेडरेशन वाली वीडियो में, कि हम वहां पर क्या क्या लॉन्च करने वाले हैं। ये लॉन्चिंग जो सेरेमनी रहेगी वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि वेबसाइट लॉन्चिंग रूप में हमने उसको मेंशन कर दिया, वो सारी चीज वहां लॉन्च की जाएंगी, चाहे वो आपके वर्चुअल जो है हमारा हेल्पलाइन नंबर हो या जो भी हो, जो भी हमने चीजें लॉन्च करने के लिए कहा था वो सारी चीज आपके लॉन्चिंग उसमें रहेंगी। इसी में क्राउड फंडिंग कैंपेन वाली हम जो साइट है उसको भी लॉन्च करेंगे, आपके क्राउड फंडिंग कैंपेन आप लगा सकेंगे। इसके साथ ही साथ एक विशेष डिसीजन लिया गया है हमारे कार्यों को देखते हुए, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से प्रभावित कुछ संस्थाओं ने, कुछ कंपनियों ने हमें कुछ प्रोजेक्ट ऑफर किए हैं, जिनको वहां पर हम लकी ड्रॉ से कुछ संस्थाओं को चयनित करेंगे। लकी ड्रॉ का प्रोसेस बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होगा, किसी भी एक बच्चे को जो हरिद्वार के अंदर बहुत सारे बच्चे घूमते हैं, कोई लक्ष्मी माता बन के घूमता है, कोई जो है भोले बाबा बन के घूमते हैं, ऐसे जो भी वहां पर बच्चे अवेलेबल होंगे उनमें से किसी एक बच्चे को हम ऑप्ट करके लेके आएंगे लंच टाइम के दौरान। उसकी आंखों पर पट्टियां होंगी, आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर पर आपको अपनी संस्था का नाम लिखना है और उसको जो सी फोल्डिंग आपको बताई जाएगी उसी वे में आपको फोल्ड करके एक बॉक्स के अंदर डालना है। उस बच्चे से वो पर्चियां निकलवाई जाएंगी, कुछ लिमिटेड पर्चियां हमने सोची हुई हैं, वहां पर 2, 5, 10, 15 जो भी हमें जिस हिसाब से हमें आगे से जवाब मिलेगा कि वो कितने लोगों के लिए फंड अरेंज करवा सकते हैं, तो हम उतनी संस्थाओं की वहां पर पर्चियां उन जो भी हमारे वो बच्चा रहेगा या जो हम उसे कुछ भी कह सकते हैं कि हमारे भाई कुछ भी हम शब्द यूज करते हैं ऑनरियम के लिए रूप में हम जिसको बुलाएंगे, तो हमारे जो ऑनर रहेंगे जो बच्चा रहेगा उसकी आंखों पर पट्टी होगी। वो जो पर्ची निकालेंगे उसमें जिन भी संस्थाओं का नाम निकलता है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की तरफ से उनको एक स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम ऑफर किया गया जो हमें एजेंसी से मिला है, तो उन संस्थाओं को वो प्रोजेक्ट जो है हस्तांतरित कर दिया जाएगा और उसके लिए एक लेटर उनको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिन भी संस्थाओं की वो पर्ची निकलेगी। तो उस प्रोजेक्ट की जो वर्द है वो पूरा प्रयास है, अगर समय से हमारा कम्युनिकेशन है, क्योंकि समस्या ये आ गई है क्योंकि लास्ट शनिवार और रविवार है, उस दिन कंपनी की छुट्टियां हैं, तो अगर संभव हुआ कंपनी की तरफ से तो शायद उस समय क्रेडिट हो जाए उनका अमाउंट, और अगर नहीं संभव हो पाया तो हमने अपनी तरफ से जो तय किया है निर्धारित समय वो नेक्स्ट वर्कशॉप तक का लिया है, जैसा सर का और पूरी टीम का डिस्कशन हुआ, क्योंकि बाई चांस कई बार
कंपनी कमिटमेंट में कोई गलती हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन में कमियां हो जाती है, कई बार संस्थाएं अप्लाई तो कर देंगे लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी रह जाती है, तो ऐसे में हमारा पहला प्रयोजन रहेगा कि हम उस संस्था के डॉक्यूमेंटेशन अगर वो संपूर्ण होने लायक हैं तो उनको कंप्लीट करवाने पर जोर दिया जाएगा, और जैसे वो कंप्लीट हो जाते हैं तो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हम जो है वो अपनी जो ग्रांट हमने ऑफर की है वो उनको क्रेडिट करवा दी जाएगी, और नेक्स्ट वर्कशॉप में उनका उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये एक विशेष चीज इसमें एड ऑन की गई है जो हमारी कंपनियों के साथ डीलिंग हुई या जो बातचीत हुई टीम की, तो जो वहां से हमें ऑफर मिला था वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि एक लकी ड्रॉ के माध्यम से कुछ संस्थाओं का चयन किया जाएगा जिनको वहां पर लकी ड्रॉ के माध्यम से ग्रांट के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की तरफ से जिम्मेवारी हो जाएगी उनको एक स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम प्रोवाइड करने की। इसके अलावा एक और चीज थी सर इसमें जो शायद मैं भूल गया हूं, यस, एक विशेष घोषणा जो हम हमेशा करते आए और काफी लोगों की शिकायत रह जाती थी हमसे, काफी लोग, हालांकि ऐसा हर बार नहीं हुआ है, हमने कुछ वर्कशॉप के अंदर दिक्कत ये होती है कि लोग ना वर्कशॉप खत्म होते ही भाग जाते हैं तत्काल, फिर उनको भागने की पड़ती है, और वर्कशॉप में आप सबको पता है, जो लोग वर्कशॉप अटेंड कर चुके उनको पता है कि हमारे पास डिस्कशन के लिए पॉइंट बहुत होते हैं, समय बहुत कम पड़ जाता है, तो हर बार एक कमिटमेंट ना, हर बार नहीं ना, कुछ बार रहा एक कमिटमेंट हमारा हर बार फेल हुआ, मोस्टली टाइम हमने आपसे कमिटमेंट करते थे हर वर्कशॉप में कि हम आपके साथ ना सीएसआर एजेंसीज का डाटा शेयर करेंगे, तो काफी बार हमारे साथियों की शिकायत रह जाती थी कि सर आपने वादा किया था सीएसआर एजेंसी का डाटा शेयर होगा, फिर हम कहते थे भाई ठीक है हम ग्रुप बना देंगे उसके अंदर हम शेयर कर देंगे, कई बार वो चीजें दिमाग से निकल जाती थी, या फिर कई बार कुछ संस्थाएं हमारी ऐसी हरकत कर देती थी कि फिर हमारा मन उखड़ जाता था, फिर हम डाटा शेयर नहीं करते थे। लेकिन इस बार आपको बिल्कुल भी ये महसूस ना हो कि आपसे कोई गलत प्रॉमिस किया गया, हमने कोई प्रॉमिस करके आपसे पूरा नहीं किया, आपके साथ रिफाइंड क्राउड सीएसआर एजेंसीज का डाटा जिसको बड़ी रिसर्च के बाद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा तैयार किया गया है वो डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन इस बार मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं, इस बार आपकी हॉल टिकट, जो ये हॉल टिकट आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, कुछ साथियों ने आज भी रजिस्ट्रेशन किए हैं, माफी चाहूंगा मैं उनके कॉल्स नहीं ले पाया या मैं उनको प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया क्योंकि आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी, सुबह हम लोग 9 बजे एंगेज हुए थे और अभी शाम को हम 6-7 बजे के आसपास फ्री हुए हैं, तो मैं काफी लोगों के कॉल्स नहीं ले पाया, ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाया उनसे, तो आपको जो हॉल टिकट आना है कल आ जाए या परसों आ जाए, क्योंकि अभी डेट भी एक्सटेंड कर दी है, कुछ सीट बढ़ाई गई हैं, हमारे पास सीट खत्म हो गई थी, रजिस्ट्रेशन हमने बंद करने की सोच ली थी बिल्कुल, और उसी हिसाब से आपको डेट लास्ट बता दी गई थी 15 तारीख, लेकिन जिस हिसाब से रुझान आए हमारे पास, जिस हिसाब से जगह कम पड़ी, हमने आज काफी सारे साथियों को मना करना पड़ा कि आप रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा, जो हमारे पहले से तय थे सिर्फ उनको हाँ किया गया कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी सीट रिजर्व थी, हमें काफी लोगों ने कह रखा था सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना, हम इतने लोग आ रहे हैं, तो सिर्फ उनको देखते हुए नए साथियों को जो नई कॉल्स आई थी उन्हें हमें मना करना पड़ा, लेकिन आपकी डिमांड को देखते हुए आज हमारी जो कैंपस प्लेसमेंट जो कैंपस है हमारा वहां हमारी बात की गई, हमने बात की वहां पर, और 30 सीटों का अरेंजमेंट और कर दिया गया है, 30 सीटों का अरेंजमेंट और कर दिया गया है, हमारी सीट फुल हो चुकी थी, हाउसफुल का बोर्ड तय हो गया था, लेकिन कुछ घोषणाएं आज हुई क्योंकि बैठक आज हुई है, तो कुछ हमने अपना प्रोपेगेंडा जो है वो ओवर नहीं किया था कि किस एजेंडा पर वहां वर्कशॉप कंडक्ट होगी, क्या एजेंडा रहेगा इस पूरी वर्कशॉप का, तो वो अब आपके साथ में ओवर कर रहा हूँ, प्राउडली अनाउंस कर रहा हूँ कि हम डॉक्यूमेंटेशन से लेकर और ग्रांट रिसीव करने तक सारे टॉपिक्स पर चर्चाएं करेंगे, लिमिटेड चर्चाएं होंगी, वो चर्चाएं जो आपके लिए उस समय जरूरी है, इसमें क्वेश्चन एंसर सेशन को बिल्कुल नहीं डाला गया है, हमने अपने बेस पर निर्धारित किया है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कंप्लीट हमें प्रोवाइड कर देनी है जो आपके काम की रहेगी, और रही बात हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की, उसके लिए एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा आपका, उस ग्रुप में आप क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। दूसरा बेनिफिट, सभी एजेंसीज के साथ 100+, शायद 100 नहीं ज्यादा ही होंगी उसके अंदर, सर याद है कुछ कितने एजेंसीज का डाटा हमने सेलेक्ट किया उसके अंदर? सर 100 से ज्यादा ही है, ज्यादा ही है ना जी, 100+ सीएसआर एजेंसीज का डाटा आपके साथ आपकी हॉल टिकट के साथ ही भेज दिया जाएगा, यानी कि आपके पास जो हॉल टिकट आएगी उसके साथ एक पीडीएफ और लगा होगा, आपकी मेल पर आएगी होल टिकट, उसके साथ एक पीडीएफ और लगा होगा, उसमें सारी सीएसआर एजेंसीज का डाटा होगा, अगर किसी भी साथी को होल टिकट के साथ डाटा नहीं मिलता है वर्कशॉप में, आप लाइव जुड़ते हो, यही कह देना कि सर हमें तो रिफंड कर दो, हमें डाटा नहीं मिला, अब ऐसा मत कहना कि सर आपने वादा किया था आपने पूरा नहीं किया, तो होल टिकट के साथ ही आपको डाटा मिल जाएगा, उसको यूज कैसे करना है सोच समझ के कीजिएगा, वर्कशॉप में सिखाया जा रहा है कि कैसे आप रैंडम एप्लीकेशन बनाएंगे और कैसे भेजेंगे,
राइट, तो इतना जल्दबाजी मत करना प्लीज, ठीक है। डाटा आपके पास आ गया 20 सिक्योर, वहां पर हमने टॉपिक रखा हुआ है हाउ टू रेज फंड या हाउ टू कनेक्ट सीएसआर फंडिंग एजेंसीज, क्लियरली मेंशन किया हुआ है मैंने हाउ टू कनेक्ट सीएसआर फंडिंग एजेंसीज। आपको डाटा दिया जाएगा, आपको ट्रिक बताई जाएगी कैसे आपको उनसे कनेक्ट करना है और कैसे आप उनको फंड रेजिंग अपील करनी है, क्योंकि इस बार मैंने आपको कहा है कि हमारा टारगेट बहुत अच्छा है, बहुत लंबा है और सभी संस्थाओं को हमें आगे लेके चलना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसी चीज को हिडन रखूं तो वो भी गलत है। हो सकता है कुछ आप अपने बेसिस पर अच्छा कर सकते हो, सिर्फ आपके पास कमी हो कि आपके पास डाटा नहीं था। तो कुछ सीएसआर और फंडिंग एजेंसीज का हम डाटा आपके साथ आपकी हॉल टिकट के साथ ही आपको मेल कर देंगे। जिन साथियों को हॉल टिकट मेल ना आए 17 तारीख शाम 7 बजे तक, 17 तारीख परसों शाम 7 बजे तक अगर आपके पास हॉल टिकट वाया मेल नहीं आती है तो प्लीज आप मुझे एक व्हाट्सएप जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से पर्सनली निवेदन है, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या जो लोग करेंगे, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन लाइंस संबद्ध संस्थाओं के लिए आज रात को बंद कर दी जाएंगी। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, संबद्ध संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन लाइंस आज रात को बंद कर दी जाएंगी 12 बजे के बाद। और उनके पास अगर अब वो एक्सटेंड रजिस्ट्रेशन डेट्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सिर्फ एक ही प्लान उन पर वर्क करेगा, 4999 का रजिस्ट्रेशन, चाहे वो सिंगल आ रहे हो, चाहे वो 2 लोग आ रहे हो, चाहे वो 4 लोग आ रहे हो, 4999 में ही वो रजिस्ट्रेशन अब कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है उनके लिए हमने ऑलरेडी पहले भी 5 डेज डिक्लेयर किए थे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपकी यह रजिस्ट्रेशन जो संबद्ध संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की लाइन थी वो 10 तारीख तक खुली थी और अन्य संस्थाओं के लिए 15 तारीख तक खुली थी। अब संबद्ध संस्थाओं के लिए हमने 15 तारीख जैसे एक्सटेंड की तो ऑटोमेटिकली उनकी डेट जो है 5 दिन आगे बढ़ गई थी। तो गैर संबद्ध संस्थाएं जो हमारी वीडियोज को देखेंगे, इस वीडियो को जो लोग सुन रहे होंगे एज ए व्यूअर हमारे लिसनर के रूप में, वो लोग 20 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हमारे पास ऑलरेडी सीट्स फुल थी, हमने सिर्फ 30 सीटों का अरेंजमेंट किया है, ओनली 30 सीट्स का हमने अरेंजमेंट किया है। तो अगर आप मुझे 19 तारीख को फोन कर रहे हैं कि सर मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला था, आपने कहा था 20 तारीख लास्ट है, तो हो सकता है आपको जवाब मिल जाए कि सर सीट फुल हो चुकी है, अब हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाए। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी आपको अपने मन को प्रिपेयर कर लेना। कल को ये मत कहना कि सर आपने तो 20 तारीख कहा था, रजिस्ट्रेशन 17 को ही बंद क्यों कर दिए, क्योंकि अब जो सिनेरियो आपके सामने है, अभी तक हमने प्रोपेगेंडा अपनी वर्कशॉप का ओवर नहीं किया था, वो मैंने आपके साथ में ओवर कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है अब सीट्स का बुक होना शायद 24 घंटे भी वेट नहीं कर पाएंगे, शायद सीट 24 आगामी 24 घंटे के अंदर सारी सीट्स बुक हो जाएंगी जैसा मुझे उम्मीद है। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। वर्कशॉप के अंदर 3 मेजर चीजें जो होने वाली हैं वो आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। एक, आपकी हॉल टिकट के साथ आपको सीएसआर एजेंसी का डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, पहली चीज जो मैं आपको ओवर कर रहा हूं। सेकंड चीज, आपके साथ डे वन यानी कि एनजीओ स्टार्ट करने से लेकर और एनजीओ के सक्सेस बनने तक यानी कि स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल तक का पूरा सिनेरियो आपको इस वर्कशॉप में दिया जाएगा। सब पर हम गहन चर्चा करेंगे लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, वहां पर डिस्कशन सेशन नहीं होगा, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, आपको ये काम ऐसे कंप्लीट करना और ऐसे इस चीज को आगे लेकर आगे बढ़ना है। तीसरा मेन चीज, आपके साथ जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म शेयर किए जाने उनकी की एक्सेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं संस्थाओं को दी जाएगी जो लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की उस वर्कशॉप में मौजूद है। उसके अलावा चाहे आप मेरे कितने भी घनिष्ठ हो सर, आपके घर में कितना भी जरूरी काम था, आपके घर में कितनी भी बड़ी समस्या थी, मैं सर आपका सम्मान करता हूँ, आपका आदर करता हूँ, लेकिन टीम कितनी दूर में सर बैठे हुए हैं, कितनी दूर में कोई और हमारे साथी बैठे हुए थे, लोग इतनी दूर से चल के सिर्फ मुझे यही कहने आए थे आज कि दादा किसी के साथ पर्सनल आप अपनी दोस्ती मत निभाना, हमारे पास लिस्ट रहेगी, हमसे अप्रूवल होकर जाएगा, उसके बाद उसको जो है उतने ही जो है लॉगिन आईडी जनरेट होंगी, उतने ही लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। ये इतने लोग इतनी मीटिंग करने के लिए यहाँ तक नहीं आए थे, इतनी मीटिंग हमारी ऑनलाइन हो जाती, लेकिन सर का और पूरी टीम का आना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर बार मैंने यही किया है कि मैं आज नियम बनाता हूँ और कल खुद अपने नियम को तोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा सा ढीला पड़ जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ आपके प्रति कि चलो यार आपकी मजबूरी थी, आप नहीं आ पाए, ये बात वो बात। तो आज टीम ने मुझे बड़े सख्त शब्दों में कहा कि सर आप दिमाग से बहम निकाल दो, चाहे इनकी सगी बेटी की शादी होती, ठीक है, अगर इनके पास मिनिस्ट्री का लेटर होता ना ये भाग के दिल्ली पहुंचते। सर ने मुझे स्पष्ट शब्दों में एक बात कही और मैं मुझे मेरा मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी टीम, मेरी कोर टीम, मेरी जो सलाहकार समिति है, मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, मुझे उसकी बात मानना मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वर्कशॉप के बाद अगर आप
राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के किसी प्लेटफॉर्म से एक्सेस आपको नहीं मिल पाती है। जो एक्सेस आपकी ऑलरेडी जहां है वहां तक है। जब आपने महासंघ ज्वाइन किया था, हमने आपसे वादा नहीं किया था कि हम आपको रोज क्लास देंगे, रोज सिखाएंगे, नहीं। जब आपने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ज्वाइन किया था, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि हम रोज प्रोग्राम करेंगे, आपको रोज बुलाएंगे, नहीं। जो आपका दौर चल रहा था वो सेम चलेगा। कुछ वर्कशॉप की लिमिट खत्म हो जाएगी, जैसे कि हम डेली वर्कशॉप ये जुड़ते हैं, ये वर्कशॉप खत्म हो जाएंगी। अब वो वहां प्लेटफॉर्म पर मिला करेंगे आपको, वो प्लेटफॉर्म की जिनके पास एक्सेस की है वो लोग जुड़ पाया करेंगे। हाँ, आपकी जो वर्कशॉप है ये सिर्फ संडे टू संडे रह जाएगी, तो आप यहाँ पर एड ऑन हो पाया करेंगे। तो वेबसाइट कीज उन्हीं के पास रहेंगी जो लोग वर्कशॉप के अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं। और थर्ड, लकी ड्रॉ के माध्यम से कुछ संस्थाओं को एक मौका दिया जाएगा स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम में हमारे साथ काम करने का। कुछ ग्रांट्स हमने अरेंज किए हैं, और हमने अरेंज नहीं की, हमारे मैं सभी उन डोनर्स भाइयों का, हमारी उन कंपनीज का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने समय से हमें ऑब्जर्व कर रही हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर हमारे लिए, मेरे पास, मैं दिल से कह रहा हूँ, इस वर्कशॉप में शायद ज्ञान के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था बांटने के लिए। अचानक जब ये हमारी टीम के पास कॉल आया कल शाम के समय, और जब मेरी टीम से चर्चा हुई तो तत्काल एक मीटिंग बुलाई गई। मेरे कुछ साथी, मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे मेरठ से मैम हैं, हमारे कानपुर से कोर अध्यक्ष प्रमुख हैं, तो कोर टीम प्रमुख हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी तबीयत भी खराब थी। इस वजह से अनावश्यक रूप से आपको हमने परेशान करना उचित नहीं समझा। जो लोग बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के अंदर मौजूद थे उनको एक इमरजेंसी कॉल की गई मॉर्निंग में, जैसे ही हमारी कॉल फाइनल हुई, क्योंकि शाम को कॉल आई हुई थी, मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। मैंने उस कॉल को सुबह दोबारा उनसे बात हुई और मीटिंग का टाइम लिया गया, टीम को बुलाया गया, हम और टीम जाकर जो लोग साथ में मौजूद थे, पास आसपास जो लोग जल्दी आ सकते थे 1 घंटे के अंदर, उनको इनवाइट किया गया। हम लोग गए, मीटिंग की, जो हमारे एग्रीमेंट्स होने थे वो हमने साइन किए बैठकर, और जब चीज हमारे हाथ में आ गई तब एक जो है जनरल बैठ जिसे हम बोर्ड मीटिंग कहते हैं, इस टाइप से एक बोर्ड मीटिंग हुई, और उसमें जो सिनेरियो टाइप किया गया वो मैंने आपके सामने रख दिया है। लकी ड्रॉ के माध्यम से कुछ संस्थाओं का चयन किया जाएगा जिनको हम स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम जो है अपने वर्कशॉप के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं अपने सभी शुभचिंतकों का, आप सभी लोगों का सबसे पहले, क्योंकि ये सब आप सबकी दुआओं का असर है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कार्यक्रम में हम एक विशेष चीज लेकर आए जो आज तक कभी नहीं हुई, तो आप सभी लोगों की दुआओं का असर है। मैं इसलिए सबसे पहले आप सब लोगों का करबद्ध रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे उन सभी डोनर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। सर, जो भी आपने प्रयास किए बहुत ही शानदार हैं। जो भी आप अपनी सक्षमता के अनुसार हमारे लिए कलेक्ट कर सके महासंघ के लिए, सर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इस पूरी वर्कशॉप को हम लाइव रिकॉर्ड करेंगे, और लाइव रिकॉर्ड करते हुए आप लोगों को हम सुनिश्चित करेंगे कि आपका डोनेशन हमने पाई पाई अपने कुछ सिलेक्टिव एनजीओज, एक्टिव एनजीओज, या हम कह सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे थे, ऐसे एनजीओज के साथ हमने उसको शेयर कर दिया है, और जो भी लेटर्स जनरेट होंगे वो आप तक डॉक्यूमेंटेशन के साथ पहुंचाए जाएंगे, और किसको क्या अमाउंट सेंक्शन किया गया है। हाँ, क्योंकि सर डॉक्यूमेंटेशन में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के ना होने के नाते, अगर मेरे कोई भी डोनर भाई हमें सुन रहे, क्योंकि आप लोग हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो मैं अपने सभी डोनर भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, सर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में कौन संस्था कितनी सक्रिय है, उसकी सक्रियता के हिसाब से हर एक व्यक्ति को अलग अलग अमाउंट जो भी हमारी टीम डिसाइड करेगी, जिसके लिए आप हमें अनुमति दे चुके हैं उसके लिए धन्यवाद, तो उसका पूरा सिनेरियो हमारे लेटर हेड पर और संस्था का सहमति पत्र के साथ आपको भेज दिया जाएगा कि उन्होंने क्या अमाउंट रिसीव किया है। उनका जो प्रूफ रहेगा वो भी सभी डोनर्स को जो है शेयर कर दिया जाएगा, और अगली वर्कशॉप में आपके द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करते हुए, और मेरा सभी डोनर भाइयों से निवेदन है, सर कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट वर्कशॉप में आप लोग अपने हाथों से उन संस्थाओं को सम्मानित करें जिनको हमारे माध्यम से आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये मेरा सभी डोनर्स से निवेदन है कि हमारी अगली वर्कशॉप में अगर आप प्रयास कर सके तो इस वर्कशॉप में भी पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, कि जो भी हमारी संस्थाएं चयनित हों उनको आप अपने हाथों से शुभकामनाएं भेंट करें कि वो आने वाले समय में आपके साथ कुछ सोशल एक्टिविटीज पर, सीएसआर पर काम करने वाले हैं, आपके फंड्स को यूज करके कुछ समाज में नया करने वाले हैं, अगर संभव हो सके तो। अगर अभी संभव नहीं है तो आपके लिए सर हमने बिल्कुल समय निकाला है कि हम नेक्स्ट वर्कशॉप में आपको हार्डली इन्वाइट करते हैं, जिसका एक प्रिंटेड जो है हमारी तरफ से निवेदन पत्र आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करवा दिया जाएगा जल्दी, क्योंकि हम हर वर्कशॉप के अंदर अपनी अगली वर्कशॉप की रूपरेखा तय कर देते हैं। तो सर अगर हमारी अगली वर्कशॉप की रूपरेखा तय होती है इस वर्कशॉप में, तो आपको तत्काल हम 30 तारीख तक, यानी कि इसी महीने 30 तारीख तक, हम सिलेक्टेड एनजीओ की लिस्ट, हमारी वर्कशॉप की वीडियो, जिसके अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रूप से हमने संस्थाओं का चयन लकी ड्रॉ से किया,
वो सारी चीजें दर्शाते हुए आपको सूचित किया जाएगा और आपको निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा जिसमें आपका सादर अभिवादन है, आपकी उपस्थिति का मैं दर्शन प्रार्थी रहूंगा। ऐसा मैं आप सभी डोनर भाइयों से जो मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं उन सभी लोगों से ऐसा अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ कि आपने महासंघ के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जो कि इस समय बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी था। थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों को भी जो मेरे साथी मेरे शुभचिंतक हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की दुआओं का असर है, आप लोगों के साथ और विश्वास का नतीजा है कि आज हमें किसी कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने हमें इतनी बड़ा सहयोग प्रदान किया। और ये सहयोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए नहीं है, मैंने बताया राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कोई संस्था नहीं है, ये राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संस्थाओं के लिए, लेकिन लिमिटेड फंड है तो लिमिटेड संस्थाओं को हम वहां पर चूज करेंगे, जो भी हमारे पास उस समय स्टॉक आएगा कि क्या अमाउंट आ रहा है, तो वो हम कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लकी ड्रॉ करेंगे और जो भी चयनित हमारी अकाउंटिंग्स रहेंगी 5, 10, 15, 2, 3 जो भी रहेगा वो आपके सामने पब्लिकली शेयर किया जाएगा, जिसकी हमें रिकॉर्डिंग डोनर एजेंसीज को भी भेजनी है। तो इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। आपका लकी ड्रॉ, आपको अपने हाथों से अपनी पर्ची डालनी है और उसको एक आंखों पर पट्टी बांधा हुआ व्यक्ति जिसको हॉल की भी एंट्री नहीं है, जिसको हॉल में अवेलेबल नहीं रहेगा, किसने कौन सी पर्ची डाली उसे नहीं पता, डिब्बे के अंदर डिब्बे के बाहर से कोई कुछ नहीं देख सकता, उसके अंदर डिब्बा सबको दिखाया जाएगा, मतलब जो एक प्रोसीजर होता है, एक क्रिस्टल क्लियर जो है वोटिंग सिस्टम जो होता है उस टाइप से एक लकी ड्रॉ सिस्टम किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा और आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं करूंगा कि आप लोग जो भी वहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं वो इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। एक छोटा सा मेरा निवेदन आप लोगों से और भी है, ये मेरा निवेदन है आपसे, मैंने आज तक आप लोगों से कभी कुछ मांगा नहीं है, आज पहली बार आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं। एक्चुअली जब मैं वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन के लिए गया था तो हम वहां पर बहुत सारी जगह तलाश रहे थे, हमने काफी सारे स्कूल्स को ट्राई किया क्योंकि ऑफ ऑन सीजन मैटर था तो जगह बहुत महंगी मिल रही थी, हमें जगह बहुत महंगी थी तो कहीं भी जगह की व्यवस्था ही नहीं होती, हमने स्कूलों में ट्राई किया तो वहां पर हमें एक ऐसा स्कूल मिला था जो है सरकारी लेकिन एमसीडी का है, एमसीडी के उसमें आता है, तो ना तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही थी ना एमसीडी वाले कुछ कर रहे थे, एमसीडी वाले बल्कि उसको बंद करने की फिराक में, जबकि वहां पर बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय विद्यालय है जो आमतौर पर हर जगह पर होता है। तो आपने देखा होगा जहां पर नगर पालिकाएं काम करती तो कुछ स्कूल नगर पालिका डेवलप करती है, तो वो स्कूल अपने आप में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे समय में हम उनके पास अपनी हेल्प के लिए गए थे लेकिन जब हमने उनका दुख दर्द देखा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं उनसे कह के आया था कि सर यथासंभव जो मेरी सहायता मुझसे बन पड़ेगी मैं तो जरूर करूंगा आपकी सहायता, और अगर जितनी भी मेरी संस्थाएं आएंगी अगर उनसे कोई संभव सहायता हो सकी तो सर मैं बिल्कुल आपकी सहायता करवाऊंगा। तो उन्होंने मेरे सामने से बड़ी प्यारी सी बात रखी, सर हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये बच्चे ना गर्मी में बैठते हैं, हमारे यहाँ पर पंखे खराब हो चुके हैं, अगर आप व्यवस्था कर सके तो हमारे हर एक रूम, उनके कुछ रूम्स हैं, आप लोग जब चलेंगे तो साथ देखेंगे आप लोग, वो कुछ रूम्स हैं जहाँ पर डबल डबल पंखे लगे हैं, तो उस चौड़ाई के रूम हैं, 6 रूम हैं तो लगभग वहां 12 पंखों की आवश्यकता है, जो मेरा सामर्थ्य होगा 2, 4, 6 का मैं लेकर आऊंगा। अगर आप लोग अपने सामर्थ्य अनुसार एक आधा पंखा, 1-2 पंखे अगर आप लेके आ सकें, चाहे वो नया हो अथवा पुराना हो, चालू कंडीशन में हो, बस केवल अगर आप अपनी स्वेच्छा से उनको डोनेट करना चाहें तो मेरे साथ उन पलों के साक्षी बनने के लिए जरूर चलिएगा, हम चाहते हैं कि हम अपनी ओर से कुछ उनको भेंट करके आए। और मेरा उन लोगों से पर्सनल निवेदन रहेगा जिनका भी सिलेक्शन उस लकी ड्रॉ में होता है, अगर आप अपनी पर्ची को वहां पर रखते हैं लकी ड्रॉ में, अपना नाम डलवाते हैं, तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है अपनी जेब में या तो इतनी व्यवस्था करके लेके आइएगा एक पंखे के पैसों के लायक, या एक पंखा अपनी तरफ से पहले से सोच के लेके आइएगा, भाई मेरा नाम आएगा और बिल्कुल मेरा नाम शायद निकल भी जाएगा, तो जो भी साथियों की पर्ची निकल जाए मेरा उनसे एक निवेदन रहेगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की तरफ से जो गिफ्ट आपको मिलेगा छोटी ग्रांट के रूप में, ये ग्रांट 20,000 की भी हो सकती है, ग्रांट 50,000 की भी हो सकती है, ग्रांट 2 लाख की भी हो सकती है, लेकिन 2 लाख से अधिक की नहीं होगी, मैं फिर कह रहा हूँ 2 लाख से अधिक की नहीं होगी, क्योंकि 2 लाख से अधिक करने की बजाय हम चाहेंगे कि अपनी संख्या बढ़ा दें हम संस्थाओं की, तो 10,000 से लेकर जो है 2 लाख रुपए तक की कोई भी ग्रांट या जो भी प्रोग्राम हम मैनेज करेंगे, टीम मैनेज करेगी उसके हिसाब से, आपको लकी ड्रॉ के हिसाब से हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एनजीओ को हम दे सकें, तो ऐसे में जो भी ग्रांट आपको मिल रही है उसके बदले में एटलीस्ट एक पंखा आप अपनी तरफ से अगर उस स्कूल को डोनेट कर देंगे तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा जिंदगी भर के लिए कि आपने मेरे
बात का, मेरी शब्दों का सम्मान रखा है, और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। और कहते हैं एक संस्था संचालक होने के नाते किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हाथ फैलाने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। मैं बिल्कुल आप लोगों से गर्वभर निवेदन करता हूँ, जो साथी स्वेच्छा से वहां डोनेट करने के लिए पंखा या कोई स्कूल का आइटम, कोई स्टेशनरी आइटम, जो आपकी इच्छा हो अगर आप डोनेट करना चाहें तो आप बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। जो उन्होंने हमें डिमांड बताई थी वो सिर्फ थी पंखों की, एक वाटर कूलर की। अगर कोई साथी सक्षम है वाटर कूलर देना चाहें, बिल्कुल आपका तहे दिल से स्वागत है सर। और जिन साथियों का जो है वर्कशॉप में लकी ड्रॉ में अगर नाम आ जाए तो प्लीज मेरा निवेदन है आप अपने अरेंजमेंट्स के साथ आइएगा, क्योंकि ऐसे में बाकी लोग दें और आप ना दे पाए अपने अरेंजमेंट्स की वजह से, तो ऐसे में आपको गिल्टी फील ना हो। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी साथी वहां अपने आप को नॉमिनेट करेंगे, वहां प्रेजेंस रहेंगे, अपनी पर्ची डलवाएंगे, तो अगर उनमें से किसी का निकल आता है पर्ची में नाम, वो साथी मेरे जरूर डोनेट करके जाएं। एटलीस्ट अगर हम वहां 2, 4, 5 संस्थाओं का चयन कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, उन प्रोजेक्टों में काम करने के लिए, तो एटलीस्ट वो अपनी तरफ से एक पंखा जरूर वहां पर देके जाएं उस स्कूल को, जो जिनसे मैं कमिटमेंट करके आया। मैं अपनी तरफ से अपना वादा उनसे जरूर पूरा करूंगा, कुछ चीजें मैं लेकर आऊंगा, और यथासंभव आप सहायता कर सके तो बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन प्लीज मेरा निवेदन है कोई भी साथी कैश ना दे और ना ही कैश एक्सेप्टेड है, ये मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं। आपको वहां लोकल मार्केट अवेलेबल होगी, आपका पंखा 200 रुपये में आए चाहे 2,000 में आप खरीदें, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसा आप लेके प्रोवाइड कर दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर सस्ता है अवेलेबल है और आप वहां से अपने साथ लेकर आ रहे हैं, वेल एंड गुड। आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, आपके यूज का नहीं है, एडिशनल है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साथी पर दबाव नहीं है। ये सिर्फ मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं उनसे वादा करके आया था कि हमारी संस्थाएं आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कहीं जाए और छाप ना छोड़ के आए, और वो ऐसी पवित्र भूमि पर जहां लोग जाते ही दान पुण्य करने के लिए, हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी में लोग जाते ही दान पुण्य करने के लिए, और हम वहां तक जाएं और दान पुण्य ना करके आएं, तो ऐसा संभव नहीं होगा। ऐसा मेरी आप सब लोगों से कामना है, और बहुत बहुत मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप सब लोगों की मेहनत रंग लेकर आई है। मैं अपने आप में बेशक जोश में था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक छोटा सा डर था, एक छोटी सी हताश थी, एक छोटी सी निराशा थी, क्योंकि हमने कुछ सोचा हुआ था, वो काम हमारा थोड़ा सा डिले है, और मालिक ने चाहा अगर उस समय तक वो काम भी पूरा हो गया तो ये वर्कशॉप आज तक की ऐसी वर्कशॉप होगी जो किसी ने सोची नहीं होगी। और उसके लिए मैं आपसे कहूंगा एक बार आप सभी लोग मंगल कामना कीजिएगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का एक काम अटका हुआ है, अगर वो काम हो गया, आप यकीन नहीं कर सकते कितने प्रोजेक्ट शेयर किए जाएंगे, कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जा सकता अगर वो काम हो गया तो। एक भी संस्थान, चाहे वहां 100 लोग हों, चाहे 100 संस्थाएं आए, चाहे 150 संस्थाएं आए, चाहे 500 संस्थाएं आए, एक भी संस्था खाली नहीं जाएगी अगर वो काम हो गया तो। अगर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं प्रदीप सर, और बिल्कुल सर, हंड्रेड परसेंट हंड्रेड उम्मीद परसेंट है अगर वो सर काम सर हो सर गया। हो गया बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। अभी दो संस्थाओं ने ऑफर कर दिया सर, अवंतपो कार्ड है और शंभु रतन जी ने एक एक फैन के लिए वो चैट बॉक्स में सर, दिया है, सबका धन्यवाद सर। सर बिल्कुल मैं करबद्ध निवेदन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने उस स्कूल के लिए, देखिए इसका साक्षी आपको बनना है और आपके हाथ से मेरे साथ चलकर वहां प्रोवाइड करना है। मैं भी चलूंगा देने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय भी चलेंगे, हमारी पूरी टीम चलेगी। जो लोग नहीं भी लेके आ पाए हैं कोई बात नहीं, हम चलेंगे सभी लोग, क्योंकि उस पल का साक्षी हम सबको बनना है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ दे रहा है, जब हम वहां कलेक्ट कर लेंगे ना, वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के नाम से जाएगा, भाई हमारी सारी संस्थाओं ने मिलके दिया है, ठीक है। अरे वाह, राजपूत कल्याण समिति भी एक लेकर आ रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आगे बढ़कर जब ऐसे आते हैं ना, तो वाकई में दिल खुश होता है कि मेरी संस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और मैं मालिक से हमेशा दुआ करता हूं कि जब जब आपका हाथ देने के लिए बढ़े ना, मालिक उतनी ही लक्ष्मी, उतनी ही सरस्वती आपके काम, आपके प्रोग्रेस, आपके बिजनेस, हर जगह उतनी ही लक्ष्मी, उतनी सरस्वती पधारे, और हमारा प्रयास रहे कि हम उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे साधन बनते रहें, चाहे जानकारी के रूप में, चाहे गाइड के रूप में, चाहे मार्गदर्शक के रूप में। तो बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद। अंश अर्णा फाउंडेशन, देखिए कि कहते हैं ना, एक टीम करे तो कुछ भी नहीं है। अरे वाह, शिव शक्ति संस्थान 2 फैंस लेकर आ रहे हैं सर, देखिए कितनी जल्दी कितना कुछ अरेंज कर दिया। शिल्पी राय मैम, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, आपका निवेदन मैं स्वीकार्य नहीं कर सकता मैम।
मैम पैसा नहीं भेजना है, अगर मध्य प्रदेश से कोई आ रहा हो आप उनके हाथों भिजवा दीजिएगा। मैंने बताया कैश डोनेशन ना महासंघ एक्सेप्ट करेगा ना वो स्कूल एक्सेप्ट करता है। अगर कोई भी साथी मध्य प्रदेश से आ रहा है आप उनके माध्यम से पहुंचवा दीजिएगा, आपका सर माथे पर, क्योंकि डोनेशन आप जिसको पहुंचा रहे हैं मैं सिर्फ एक साधन हूँ, संसाधन हूँ। हाँ बिल्कुल आप गोविंद जी के माध्यम से पहुंचा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल आपका स्वीकार है मैम। और वहां पर सभी डोनर्स के नाम जो है अनाउंस कर दिए जाएंगे किस किस की ओर से आया है, और पूरे महासंघ की ओर से ही रहेगा, आप सब लोगों का उस पल का साक्षी बनना है। आज जब मुझे ये चीज खुशी मिली कि हम अपने महासंघ में संस्थाओं को कुछ देने वाले हैं, तब मेरी हिम्मत हुई है मैं आपसे इस बारे में चर्चा करूं, नहीं तो मैं जैसी भी मेरी श्रद्धा बनती, जैसा मैं कुछ अपने, देखिए जहां लोग मुझसे खुले हुए हैं, मिले हुए हैं, कृष्ण खरब जी हैं, प्रदीप सर हैं हमारे जो है अपने गुड़गांव वाले सर हैं, मैं ऐसे दो चार लोगों से जिनसे मैं पर्सनली हेल्प लेता रहता हूँ, आदान प्रदान पैसों का लेन देन करता रहता हूँ, मैं शायद इन लोगों से सिर्फ कहता कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, हमें कुछ ऐसा करके चलना है। लेकिन अब देखिए जब लगा कि महासंघ के पास भी कुछ देने के लिए है, तो हमने आपको जो संस्थाओं से मिलने वाला डोनेशन या ग्रांट है उसमें से हमने 1 रुपया कहीं भी इधर से उधर ना करने की कसम ली है, कोई 1 रुपया इधर से उधर नहीं होगा, सारी चीज आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रखी जाएगी, भाई ये ग्रांट वहां से आई थी और हमने इतने लोगों में समसम लमसम लमसम इतनी इतनी करके सब में बांट दी है। हमने उस ग्रांट का उपयोग भी उस स्कूल के लिए नहीं किया, क्यों करें? वो आपके लिए हमें पैसा मिला है, महासंघ की संस्थाओं के लिए मिला है, अक्षक्रिय संस्थाओं के लिए मिला है, तो सक्रिय संस्थाओं तक पहुंचना चाहिए। हमारी सक्रिय संस्थाएं सक्षम हैं, अगर एक एक सब लोग लेके आएंगे ना तो मेरे ख्याल से स्कूल में पंखों का ढेर लग जाएगा भैया। सर बहुत बहुत धन्यवाद शेप ऑफ इंडिया फाउंडेशन। सर आप बिल्कुल वहां पर जो भी साथी आमंत्रित हैं, जो भी साथी वहां आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं से मेरा आग्रह है, जो साथी वहां आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं से मेरा आग्रह है वही लेकर आए, या अगर आप नहीं आ पा रहे और आपके साथ में से कोई साथी संस्था आ रही है उसके माध्यम से भिजवा दीजिएगा प्लीज। कोई भी साथी इसके लिए डोनेशन या कैश डोनेशन सबमिट ना करे, ये मेरा आप लोगों से पर्सनली निवेदन है प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सब लोगों ने समय दिया, और अब मैं एक बार आप लोगों की, सर बिल्कुल उमेश जी आप बिल्कुल आ रहे हैं, शायद आज आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सर बिल्कुल स्वागत है आपका। देखिए कहते ना एक व्यक्ति करने की सोचे और कई लोग मिलकर उस काम को संपन्न कर देते हैं, संपादित कर देते हैं, इससे बड़ा टीम वर्क देखने को क्या मिलेगा। और यकीन मानिए उस वर्कशॉप के अंदर ऐसी टीम मैनेज करने जा रहा हूं, ऐसे उपक्रम में हम लोग काम करने वाले जा रहे हैं, सर अकेला करेगा 50 पैसे फालतू खर्च करेगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति चार जगह परेशान होगा, यहाँ खर्च करेगा वहां खर्च करेगा, क्यों ना उस पैसे को मिल बांट के खर्च किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कंपनियों पहुंचा जाए, एक ऐसी टीम मैनेज की जाएगी, अब हम कंपनियों में पकड़ बनाएंगे, और पहली बार ऐसा सेशन हम आगे आने वाले अधिवेशन में देने वाले हैं जहां पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां से संस्थाओं को प्री रेटेड ग्रांट्स मिला करेंगी, यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से ग्रांट मिलना शुरू होंगी। हम जल्द ही कुछ ऐसे प्रयासों को भी वहां पर लॉन्च करेंगे। ये जो खुशखबरियां आपको मिली हैं आज तीन, पहला आपके जो हॉल टिकट है उसके साथ सीएसआर एजेंसी का डाटा मिलना, ये आपको कैसा लगा? आपका फीडबैक मुझे एक बार चैट बॉक्स में दीजिएगा, गुड बेटर बेस्ट ऑसम ग्रेट वंडरफुल, जो भी आपका रिएक्शन हो मुझे एक बार आपके चैट बॉक्स में प्लीज दीजिएगा, ऑसम बेस्ट वेरी गुड, सर सभी लोगों का कमेंट प्लीज, ग्रेट वर्क ऑसम। सबसे पहली चीज कि हमें अपने हॉल टिकट के साथ ही डाटा एडवांस में मिल जाएगा, माइंड ब्लोइंग ऑसम एक्सीलेंट बेस्ट सभी का जवाब आएगा सर, तो देखिए पूरी टीम का उत्साह बढ़ेगा, जिस टीम ने जो टीम आपके पीछे मेहनत कर रही है कहीं से हम कहां किसके, देखिए कोई हकीकत नहीं जानता है कि हमने किस दफ्तर में जाके किसके पैर पकड़े हों, ये हकीकत कोई नहीं जानता है, जो व्यक्ति करके लेके आता उससे उसकी आत्मा जानती है कि वो कहां से करके लेकर आया हो। तो सर टीम का हौसला बढ़ाने के लिए एक शब्द जरूर लिख सकते हैं आप, जो भी आपको लगा, आपको गुड लगा तो गुड ही लिखिए, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैंने आपके साथ जो जानकारी शेयर की कि कुछ संस्थाओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा, जिनको हम सीएसआर हमारे साथ जो फंडिंग एजेंसीज जुड़ी, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को एक चार चांद लगा दिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा मेरे एक बिल्कुल नॉर्मल से कार्यक्रम को बहुत बहुत शानदार कार्यक्रम में बदल दिया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? उन एजेंसीज के लिए, उन फंडिंग एजेंसीज के लिए एक शब्द जरूर लिख दीजिए सर प्लीज,
उन सभी फंडिंग एजेंसीज के लिए एक शब्द आपकी तरफ से जरूर लिख दीजिए, उनको आप थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, ग्रेट, ट्रिमेंडियस, जो भी आप लिखना चाहें उन फंडिंग एजेंसीज को जिनके माध्यम से ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि हम लकी ड्रॉ के माध्यम से आप लोगों में से कुछ संस्थाओं को मौका देंगे काम करने का, उनके लिए एक शब्द आपकी तरफ से जी, थैंक्स ए लॉट, ग्रेट, थैंक यू, ग्रेट, बहुत बहुत सर। काफी लोग अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है सर। आप लोगों के थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक्स ए लॉट, ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका फीडबैक देने के लिए। और बाकी की सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है कि वहां पर हम बेसिक जर्नी से लेकर एडवांस सक्सेस तक हम सभी चीजों को वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी चीज वहां पर हम नहीं छोड़ेंगे जिस पर हमने डिस्कस ना किया हो। हमारी जो भी मीटिंग रहेगी वो एडवांस एआई टूल्स पर बेस्ड होगी, यानी कि मेहनत कम काम ज्यादा। जो लोग एआई टूल से परिचित हैं उन्हें पता है कि मेरे छोटे छोटे एआई टूल भी बहुत काम के होते हैं, तो मैं वहां पर बहुत सारे एआई टूल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मेहनत कम काम ज्यादा, राइट। तो काफी सारी चीजें हम वहां पर शेयर करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जिन संस्थाओं को 100% ग्रांट एप्लीकेशन के लिए अपनी फाइल लगवानी है, मैं उनको पर्सनली हेल्प करूंगा, जिसके लिए कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं रखा गया है। जो भी संस्था वहां मौजूद रहेंगी, जो इसके लिए योग्य होंगी, जो इसके लिए पात्र होंगी, उनकी फ्री हेल्प दी जाएगी, कंसल्टेंसी हेल्प उनको फ्री दी जाएगी। काम आपको खुद करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको खुद रेडी करने हैं, प्रोजेक्ट आपको खुद लिखना है, कहाँ पर क्या गलतियां हैं, कहाँ पर आप क्या गलती कर गए, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने, कैसे लगाने, वो सारी चीजें हम जो है वहां पर डिस्कस कर लेंगे। और एक जो नया हम कीर्तिमान स्थापित करने जाएंगे एक पुण्य पावन नगरी में, एक अच्छा सा सोशल वर्क का नाम और रिकॉर्ड हम भी वहां खड़ा करके आएंगे कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संस्थाएं आई थी और एक स्कूल को, अबैंडन्ड स्कूल को कुछ हेल्प प्रोवाइड करके गए हैं। ये आप सब लोगों की वजह से संभव हो पाएगा। इसके लिए भी आप सभी साथियों के लिए जिन जिन्होंने मुझे हेल्प करने के लिए वादा किया है, एक बार उनके लिए भी दो शब्द प्लीज आप लिख दीजिएगा, दो शब्द उन सभी साथियों के लिए जो इस नेक कार्य में आगे बढ़कर आगे आए हैं। मैं भी अपनी तरफ से बिल्कुल लिखना चाहूंगा। थैंक्स ए लॉट टू ऑल मेंबर्स, मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय से मीटिंग में जुड़ते हैं, आपके फीडबैक, आपके द्वारा जो बातें शेयर की जाती हैं, आपके द्वारा जो हमें कमेंट मिलते हैं इन वर्कशॉप्स के लिए कि कैसी वर्कशॉप चल रही हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ किस स्तर पर क्या कर रहा है, और आप जो भी साथी वहां पर आ रहे हैं, आप सभी को सिर्फ 2 मिनट का, क्योंकि वर्कशॉप के सर हमारे बहुत टाइटल अपने खुद के बहुत सारी चीजें हैं, तो 2 मिनट में आपका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति क्या मैसेज है, या आपका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति क्या विचारधारा है, आपके परिचय के साथ, आप कौन हैं, कहां से हैं, संस्था का नाम और आपके परिचय के साथ संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बारे में आपके जो विचार हैं, वो 2 मिनट का एक सेशन आपको माइक दिया जाएगा पूरे वर्कशॉप के दौरान। तो वो उसकी तैयारी आप लोग करके आइएगा, क्योंकि वहां एकदम फिर आपको सोचने का मौका मिले ना मिले, क्योंकि हो सकता है वहां हम कह दें कि भाई 1 मिनट का समय है केवल, तो उसके हिसाब से आप सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पर भरोसा करने के लिए। आज बहुत सारे साथियों की मैं कॉल नहीं ले पाया, क्योंकि आज नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी और उस मीटिंग में व्यस्त होने के कारण काफी सारे लोगों के मैं जवाब नहीं ले पाया हूँ। काफी लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन किए हैं, मैं उनको भी फीडबैक नहीं दे पाया हूँ, भाई आपका रजिस्ट्रेशन मिल गया है मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। तो जिन भी साथियों के को ये मेरा जवाब आज प्रॉपरली नहीं मिल पाया उनसे मैं माफी चाहूंगा। कल मॉर्निंग से आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह रहेंगी, हम कल से अपने काम पर कंटिन्यू हैं। कुछ काम थे हमारे पेंडिंग, वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। कार्यकारिणी के साथ बैठक होनी थी, पूरा एजेंडा तैयार किया जाना था, एजेंडा तैयार कर लिया गया है। कुछ साथियों के पास पोस्टर्स जाने थे जो कि आज मीटिंग की वजह से निरस्त कर दिए गए, कल आपको पोस्टर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पोस्टर्स के लिए रिक्वेस्ट वही लोग डालें जिनका रजिस्ट्रेशन वो लोग करवा चुके हैं। रजिस्टर्ड संस्थाएं ही अपने पोस्टर के लिए रिक्वेस्ट डालें, क्योंकि आपके पोस्टर पर आपको एक रेफरेंस कोड मिलता है, उससे संबंधित जो भी योजना, जो भी बेनिफिट होंगे वो आपको आगे वाले समय में दे दिए जाएंगे। तो इसलिए आपका रेफरेंस कोड तभी जनरेट होगा जब आप खुद वहां पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो रेफरेंस कोड आपको दिया जाएगा। उस पोस्टर को जब आप शेयर करेंगे उसके माध्यम से कोई भी साथी अगर रजिस्टर करता है अपने आप को, तो रेफरेंस कोड वाला सिस्टम कल से लागू कर दिया जाएगा।
तो रेफरेंस कोड अगर से जो भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन आएंगे उससे आपका जो बेनिफिट्स हैं या जो भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन अगर महासंघ आपको देना चाहेगा तो वो उसके लिए हम अपनी तैयारी कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज कंप्लीट कर दी जाएंगी, रात में कल से चालू कर दी जाएंगी रात के 12 बजे से। तो अब मैं, क्योंकि समय भी पूरा हो गया, आज शायद मैं किसी नए टॉपिक पर डिस्कस ना कर पाऊँ, माफी चाहूंगा। आज के हम टॉपिक को कल पर पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक में जो निर्णय लिए गए उसके हिसाब से कुछ काम मुझे आज का आज मार्केट के जरूरी थे निपटाना, तो पिछले 1 घंटे के अंदर मैं उस सब चीजों को निपटा कर भी आया हूँ। तो आज के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। बाकी आप लोगों ने मुझे समय पर जुड़े, आपने सहयोग किया, आप सब लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन, क्योंकि आपके समय और विश्वास के साथ ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। अब मैं आज की मीटिंग को माननीय अध्यक्ष महोदय को रेफर करना चाहूंगा। सर, अपने शब्दों के साथ इस मीटिंग को अब एंड की ओर लेकर चलें क्योंकि समय लगभग पूरा हो गया और कुछ और तैयारियां भी मुझे पूरी करनी है, आपके आदेशों का अनुसरण भी करना है मुझे। तो ओवर टू प्रदीप सर, प्लीज। ओवर टू प्रदीप सर। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज जो हमारी मीटिंग हुई, आज उसमें आज जो भी डिसीजन लिए गए यादव जी ने, आप सबको बता दिया गया है। बस क्योंकि आप लोगों की कॉल्स भी आ रही थी उधर कंसर्न जगह पे, हरिद्वार में उन जगह पे, वहाँ 30 पार्टिसिपेंट्स की हमारी सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो अब आप लोगों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी आप इस सीट को, अपना इसे जो सीटें बढ़ी हैं उसका बेनिफिट उठाएं। और देखिए सर, जो भी आपको बताया गया, एक लकी ड्रॉ, अब लकी ड्रॉ में आप लोगों से पर्ची डलवाई जाएगी और एक अननोन बच्चा जो वहां होगा उसके हाथ से पर्चियां निकल ली जाएगी। अब उससे पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो कि सभी लोग सुनते हैं कि भाई मैं डेली एक ही बात कहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स देखिए। एक आपकी पर्ची का आपका नाम निकल गया और बाई चांस आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए, तो देखिए अब वहां पर दिक्कत हो जाएगी हमारी कंसर्न एजेंसी को भेजने के लिए। पता लगे जी आपके तो ATGA 12 भी नहीं है, आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है, जो उसके साथ आपके 3 साल का ऑडिट नहीं है, ITR नहीं है, आपने तो बैंक में अभी तक खाता नहीं खुलवाया, ATGA नहीं है, तो सर वो जरा दिक्कत हो जाएगी। फिर हमारी, अब आप कहेंगे कि नहीं जी आपने कहा था और हमारा नाम भी निकला, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए तो सर हम लोग उसको नॉमिनेट आपको नहीं कर पाएंगे। तो सर, मेरा मैं आप माफी सभी, चाहूंगा। हाँ सर, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, बिल्कुल एक्सट्रीमली सॉरी चाहूंगा। सर, एक चीज कंफर्म कर दीजिएगा, 3 साल वाली संस्थाएं ही वैलिडेट है या 1 साल का जिनका पूरा है लेकिन 1 साल की ऑडिट वॉडिट सब पूरी कर रखी है, नहीं वो सर, भी पात्र उसमें कम से होंगी? कम, हाँ सर 2 साल का मांगा है सर, 1 साल वाला नहीं, उन्होंने अच्छा दो अच्छा साल का मांगा है 2 साल कहा था उन्होंने, ठीक। हाँ 2 साल, 2 साल का मांगा गया है कि 1 साल का बिल्कुल न्यू संस्था है ना सर, 2 साल का मांगा हुआ है उन्होंने। 2 साल का जिनका जो अपने डॉक्यूमेंट्स सबके कंप्लीट होंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। अब वो कहें जी हमने ATGA 12 अप्लाई कर दिया सर, आ जाएगा, आ जाएगा नहीं सर, हमारी वर्कशॉप से पहले आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अभी जो आपको क्लास दी जाएगी ना उससे पहले डॉक्यूमेंट वैलिडेट, वैलिड डॉक्यूमेंट सर, उस पर यह ना हो कि आपके उस पर क्वेश्चन मार्क का निशान लग रहा हो। हैं अभी आपको जल्दी इसके बारे में बता दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए सभी। आपके पास एक उसके आप PDF, सभी लोग साथी हैं सभी के पास स्कैनर होता है, आप एक PDF फाइल बना के ले आइए सभी, तो वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स भी देख लेंगे। अगर किसी में वो, अगर आप लोगों के एलिजिबल हैं या नहीं, नाम निकलने का ही खाली नहीं होगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए तो सर मैं माफी चाहूंगा, अभी बता देता हूँ कि फिर आपको ना कंसीडर नहीं किया जा सकेगा वहाँ। वहाँ आप इस बात को जिद करेंगे नहीं सर, आपने तो इस तरीके का कर, सब विदाउट डॉक्यूमेंट्स के हम लोग वहाँ जाके वहाँ आपकी फाइल लगा दे, तो हमें फिर अच्छा सा नहीं लगेगा, वहाँ से कैंसिल होगी बार बार। क्योंकि मैंने मार्च में भी आप लोगों से एप्लीकेशन मांगी थी, हमारे एक भी NGO के पेपर कंप्लीट नहीं हुए थे। अब सर ने अभी परसों भी पूछा था, तो कल या परसों में 2 NGO के पेपर रजिस्टर कंप्लीट थे। सर आप अपना फोकस जरा अपने डॉक्यूमेंट्स पे रखें, डॉक्यूमेंट्स को जरूर देखें। और देखिए इसमें बैलेंस शीट के इतने वो नहीं, अगर क्योंकि स्मॉल ग्रांट है, स्मॉल ग्रांट में अगर आपकी छोटी बैलेंस शीट भी होगी ना उसको भी कंसिडर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम उसमें यही लगा रहे हैं कि आपकी जो वो है बैलेंस शीट को बढ़वाया जाए इसमें आपकी बैलेंस शीट, मगर उसमें सर कुछ तो हो, ऐसा ना हो कि जी आपकी बस 800 रुपये की बैलेंस शीट है, 1000 रुपये की बैलेंस शीट, ऐसा ना हो। एक ठीक ठाक, क्योंकि किसी कंपनी में हम अप्रोच करेंगे, ठीक ठाक बैलेंस शीट लाखों में ना हो, कम से कम 1000 में तो हो सर, 1000 में। अब ऐसा नहीं हो सर 800 रुपये की बैलेंस शीट हो तो सर माफी चाहेंगे, क्योंकि उस समय आप में से एक कमेटी बना दी जाएगी, वो कमेटी कंसिडर करेगी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई हैं या नहीं।
सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने एक बार डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लें और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स के एक पीडीएफ सेट बना के वहां लाएं हैं, और उस डॉक्यूमेंट्स में चयन किया जाएगा आपके द्वारा, और जो लकी ड्रॉ होगा उसमें देखेंगे भी किस किस को किसका नसीब और किसका सर इसमें, इसलिए आपके समक्ष करा जाएगा सब कुछ। बिल्कुल हमारी तरफ से कोई इसमें हाइड एंड सिक नहीं होगा कि भाई अपनी एनजीओ का निकाल लिया, ये कोई वो नहीं सर, हमारे लिए सभी बराबर है, सारी एनजीओ हमारे लिए एक समान है, कोई इसमें कोई जान पहचान, कोई भाई भतीजावाद कुछ नहीं, आप सब हमारे लिए एक समान है। धन्यवाद सब, समय हो गया है, और आप लोगों जी को बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, ओवर टू यादव जी। थैंक यू सर कंफर्म करने के लिए। और मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहूंगा, आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना, ज्यादा डीपली का मतलब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं है। देखिए वो आगे भविष्य के लिए आपके जरूरी है, लेकिन अभी सिर्फ हमें आपसे क्या क्या चाहिए वो बताता हूँ। आपके पास 12A होना चाहिए, ATG होना चाहिए, CSR 1 होना चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 2 साल की ऑडिट होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास कंप्लीट हो, आपका बायोलॉज अपडेट हो जिसके अंदर मोस्टली चीजें हो, यानी कि जो हमें सामने की तरफ से लिस्ट मिलेगी किस किस प्रोजेक्ट के लिए मिल रहा है, पता लगे उसमें इन्होंने हेल्थ के लिए दिया और आपके बायोलॉजी में हेल्थ नहीं मिला, तो मैं माफी चाहूंगा, वहां गलती हो सकती है, वहां एक बार को आप निराश हो सकते हैं अगर आपके बायोलॉजी में नहीं हुआ। तो बायोलॉज आपके पास होना चाहिए, संस्था के रजिस्ट्रेशन की कॉपी होनी चाहिए, संस्था का पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी कार्यकारिणी की लिस्ट होनी चाहिए, आपके 2 साल का जो आपका एनुअल रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। 12A ATG CSR 1 होना चाहिए, दैट्स इट। आपके 10BD हुई है कि नहीं हुई है अभी इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। वो जनरल डोनेशंस के लिए आपके ऑडिट में काम आता है, यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमसे हमें सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन तो होना अनिवार्य है ही है सर, सभी संस्थाओं का एनजीओ दर्पण में रजिस्टर होना अनिवार्य है, उसके लिए बिना तो कुछ नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकल चीज है। आप कहें सर मेरे पास पैन नहीं है, सर नहीं मिलेगा, पैन कार्ड नहीं, आपका बैंक खाता नहीं खुला हुआ, सर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बैंक खाता होना चाहिए संस्था का, संस्था का पैन होना चाहिए, संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, संस्था के पास कार्यकारिणी की लिस्ट होनी चाहिए, आपका बायोलॉज होना चाहिए यानी कि जो ट्रस्ट डीड वगैरह जो भी है आपकी वो होनी चाहिए, सारे सर्टिफिकेट वैलिड होनी चाहिए यानी कि किसी डेट ना निकली हुई हो वो चीज होनी चाहिए। और किसी भी साथी साथी से मेरा निवेदन है, कोई भी साथी अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ना लेकर आए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेकर आते हैं भीड़ भड़ाके में, कहीं गलती से आपने कहीं रख दिए, खो गए, ऐसे में कोई भी जिम्मेवारी आयोजक की नहीं होगी। अपना कोई भी कीमती सामान साथ लेकर ना आए, अपने कीमती सामान की देखभाल आप स्वयं करें, कोई भी सामान अपना अपने रूम आपको सेपरेट मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा जिन लोगों ने सिंगल की जगह डबल रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सिंगल वाले भी अपना जो भी बैग लेकर आते हैं अपना एक ताला साथ लेकर आइएगा जो अपने बैग को आप लॉक कर सके, ऐसा कुछ व्यवस्था करके आइएगा। और जो लोगों को सेपरेट रूम्स मिले हैं अपना अपना एक ताला साथ लेकर आइएगा, अपना खुद का ताला लगाइएगा, लेकिन जाते हुए प्लीज वो ताला खुल जाना भाई, कहीं अपना ताला लगा के चले जाओ, बेचारों को बाद में तोड़ना पड़े, ठीक है। तो अपना ताला साथ लेकर आइएगा, अपना ताला निकाल के ले जाइएगा बाद में वहां से, ठीक है। तो जब भी आप कैंपस से बाहर जाएं मीटिंग में आए तो आपका रूम के अंदर कोई एंटर ना हो पाए उसके लिए अपना एक ताला आप प्लीज साथ में ले आइएगा। प्लीज कोई ये मत कहना कि सर हमें बताया नहीं गया था। कुछ लोगों को दिक्कत होगी, देखिए पब्लिक प्लेसेस हैं ये, यहाँ पर 50 तरीके के लोग आते हैं, 50 तरीके के लोग जाते हैं, और हम ज्यादा आयोजक को ज्यादा नहीं कह पाएंगे क्योंकि जो कैंपस वाले लोग हैं ज्यादा उंगली करेंगे तो खाम खाम है वो कार्यक्रम को डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि यार वहां की चद्दर जो है उसमें स्मेल आ रही है, कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज अपने कुछ ओढ़ने या बिछाने का जो सामान आप रखना चाहते हो साथ में तो प्लीज रख लीजिएगा। कई लोगों को बाहर के बिस्तरों में या इन चीजों में नींद नहीं आती है, तो एटलीस्ट आप अपनी एक बिछाने की चद्दर जरूर लेते आइएगा जिससे कि आपको और फील ना हो। तो प्लीज मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये एक जनरल वर्कशॉप है, संस्था के द्वारा आयोजित है, संस्थाओं के लिए आयोजित है। तो जैसे हम संस्थाएं भीड़ में पेड़ के नीचे कहीं भी धरती में बैठकर अपनी मीटिंग कर लेते हैं, जमीन पर बैठ के अपनी मीटिंग कर लेते हैं, तो ऐसे ही अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल बन के और समझ के आइएगा। प्लीज वहां पर कोई भी हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या लग्जरियस या कोई भी ऐसी व्यवस्थाओं की डिमांड ना करे जो महासंघ के लिए संभव ना हो, क्योंकि ये संस्थाओं की बैठक है, ये आम बैठक की तरह होगी। जहां तक हमारा प्रयास रहेगा, अगर चेयर्स अवेलेबल तो चेयर्स अवेल करा जाएंगी वहां, अगर बेड्स अवेलेबल तो बेड्स अवेलेबल रहेंगे वहां पर। जो उनके पर्टिकुलर देखिए टेंट के बर्तन होते हैं, टेंट के कपड़े होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप प्लीज इस चीज को मत कहिएगा। हम बर्तनों के लिए जरूर कर रहे हैं कि हम डिस्पोजल यूज करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, बर्तनों की कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ क्योंकि जनरल टेंट वाले गद्दे वगैरह होते हैं, तो अगर आपको ऑड फील ना हो तो आप अपना एक चटाई दरी या कुछ भी ऐसा लेके आ सकते हैं जिसको आप यूज कर सकें। तो इस चीज के लिए प्लीज मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा, जो असुविधा अगर आपको कहीं महसूस बिल्कुल भी ना करनी पड़े। मेरा पहला प्रयास ये है कि आपको कहीं भी असुविधा ना हो, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, वो अपने आप साथ में डाल लीजिएगा। कई बार हो सकता है
क्योंकि हमारा जो फूड सिस्टम होता है वो रिजर्व होता है, क्योंकि ऐसे जगहों पर ना हम तंदूर लगा सकते हैं, ना इतने लोगों को व्यवस्थित कर सकते हैं भाई वो लोग स्पेशल रोटियां सेकें। तो ऑब्वियसली बात है, जब एक जनरल कार्यक्रम होते हैं तो पूड़ियों की व्यवस्थाएं होती हैं। जिन लोगों को लगता है सर हम पूड़ी नहीं खाते, हमें तला गला खाने से दिक्कत होती है, ऑब्वियस सी चीज है, मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा अपने कुछ फल फ्रूट या अपना चाकू वगैरह काटने का कुछ ऐसा इंतजाम अपने पास रखिएगा, सभी से निवेदन है। क्योंकि भोजन के अंदर रोटियां नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, भोजन के अंदर रोटियां नहीं है, पूड़ियां रहेंगी रोटी की जगह, जो एक जनरल व्यवस्था है सबके लिए एक, क्योंकि रोटियां तुरंत सेकनी पड़ती हैं, पहले से सेक के रखो वो ठंडी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, आपसे चबाई नहीं जाएंगी, इसलिए पूड़ियां एक कॉमन व्यवस्थाएं होती हैं इस प्रकार के बड़े आयोजन के लिए। तो पूड़ियों की व्यवस्था है, जो लोग तला गला खाने से परहेज करते हैं कोशिश कीजिए 2 दिन एडजस्ट करने की, अगर नहीं होता तो सर अपना कुछ फल फ्रूट की व्यवस्था अपने साथ अपने बैग में आप रखिएगा, जिससे आप अपना अल्पाहार या कुछ भी ऐसा कर सके, एडिशनल मतलब भोजन वहां से कीजिए लेकिन कुछ साथ में ऐसी व्यवस्था रख लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, नॉर्मली जो गैस वगैरह बनती है अगर आपके, या सिर दर्द या कोई अनचाहा बुखार अगर ऐसा कुछ होता है, तो एक टेबलेट अपने साथ एक दो खुराक अपनी जरूर रखिएगा। अगर आपको कोई पहले से कोई दिक्कत है उससे संबंधित आपकी दवाइयां लाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम सब नई जगह पर होंगे, हमें भी नहीं पता होगा कि वहां पर कहाँ मेडिकल स्टोर्स हैं, कहाँ क्या है। हालांकि बहुत बड़ी मार्केट है, हरिद्वार बहुत बड़ा है, लेकिन आपको परेशान व्यथित ना होना पड़े, बीच में आपको वर्कशॉप छोड़ के ना जाना पड़े। तो आपकी जो जरूरी चीजें हैं, आपके जो जरूरी सामान है, जैसे गोलियां आपकी टेबलेट की, अगर आपको कोई आवश्यकता है, कोई खांसी जुकाम बुखार की अनचाहा हो जाए क्योंकि गर्मी का समय है, डिहाइड्रेशन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो आपका ग्लूकोज का पैकेट वगैरह कुछ ऐसी चीजें आप रख लीजिएगा अपने साथ, ये मैं आपको प्रिकॉशंस बता रहा हूँ। अपनी एक चादर वगैरह रख लीजिएगा कि जो आपको वहाँ के बिस्तर पे या वहाँ के जो जो सामान रहेंगे उसमें आपको ऑड फील ना हो, वहाँ के बिस्तर या वहाँ की चादर वगैरह पे ऑड फील ना हो, ऐसा सामान अपने साथ रख लीजिएगा। इसके अलावा आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लीज मत लेकर आइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत लेकर आइएगा, ठीक है जी, क्योंकि ऐसे में अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई सामान गुम हो गया आते जाते रास्ते में, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत मुश्किल में बन पाते हैं, आप लोग जानते हैं। आप कोशिश कीजिएगा अगर आप उनको स्कैन करके पीडीएफ बनाकर, ओरिजिनल को तो स्कैन करके पीडीएफ बना लीजिएगा, एक कॉपी अपने साथ ही आइएगा अटेस्टेड कॉपी, और अगर जरूरत पड़ी हमें किसी रूप में तो आपकी एक सील अपना एक पेन अपने पास रखिएगा, क्योंकि आपको सील साइन अगर कहीं करना पड़ा किसी प्रकार के उस पर, तो आपके पास अपनी सील और सिग्नेचर होने चाहिए। तो आई थिंक सो मेरी तरफ से इतना ही मैसेज था। सर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर मुझसे छूट गई हो तो आप प्लीज बता दीजिएगा, अदरवाइज हम मीटिंग को जो है अब एंडिंग को नहीं लेके नहीं चलते सर, हैं। ओके सर, फाइनल। मेरे ख्याल से सब फाइनल बता दिया गया ना सर हाँ जी जी, तो प्लीज आप अपनी तरफ से ये काम जरूर कर लीजिएगा। तो आई थिंक सो आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, आज हम क्लासेस का मेन जो सब्जेक्ट था वो नहीं ले सके, उसके लिए मैं आप लोगों से सर माफी चाहूंगा, हम उस सेशन को कल कंप्लीट करेंगे, हमारा विषय था एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन का, तो हम कल उस पर जरूर बात करेंगे कि कैसे हम अपने रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप सब लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। किसी साथी का कोई सवाल हो अगर, प्लीज मैं पूछना भूल गया, किसी साथी का कोई सवाल हो तो हैंड रेज कर सकता है, प्लीज किसी भी साथी का कोई सवाल हो वर्कशॉप से संबंधित तो प्लीज पूछ सकता है, अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर आपको हैंड रेज करना नहीं आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं विद इन कुछ सेकेंड्स आपको जो है इस मीटिंग को टाइम आउट कर रहा हूँ। चलिए किसी का कोई सवाल नहीं है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।